अच्छा, आई हैव टू आस्क यू, हाउ वॉज इट बीटिंग फेडरर? नहीं यार, इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग, बिकॉज आप उधर होते भी हो, यू फीलिंग इट ऑल्सो, बट ऑन वन साइड ऑफ द एंड यू वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड ऑन द अदर एंड यू कांट बिलीव कि व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट जस्ट हैपेंड. एंड वो वीडियो भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ अभी कल परसों ही देख रहा था, एंड आई वॉज वॉचिंग दैट मैच विद माई वाइफ एज वेल. एंड तो वो उसमें भी जो है ना, वो कोर्ट के ऊपर भी आप देखते हो, द वे आई सेलिब्रेट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ शॉक कि ओ द मैच इज ओवर, ओ शिट वी वॉन, ये कैसे हुआ एंड व्हाट हैपेंड रियली. एंड जो पूरी स्टोरी है उसकी इज सो सरियल के वो उसमें जो है ना, ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम वी बिलीव इन अल्लाह और सारी उसकी पावर के अंदर, लेकिन कभी कभार आप एक्सपीरियंस करते हो ऐसी चीजें कि आपके अंदर और यकीन हो जाता है अल्लाह के अंदर भी, अपने में मजहब के अंदर भी, अपनी बिलीफ के अंदर भी. और दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई एंडेड अप बीटिंग फेडरर, क्योंकि इट वाज इन 2009 और मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी इस्लामाबाद में. सो एंड द टूर्नामेंट वाज बाजल ओपन होता है, स्विस ओपन होता है इन नवंबर, अक्टूबर नवंबर में, जब हमारा सर्किट जो है ना खत्म हो रहा होता है. देयर आर ओनली टू थ्री टूर्नामेंट्स लेफ्ट, उसके बाद हमारा सीजन खत्म हो जाता है. तो बाजल इज द सेकेंड लास्ट टूर्नामेंट ऑफ द टूर. तो व्हेन आई एंटर्ड बाजल टूर्नामेंट, आई वाज सिक्स टीम आउट, आई वाज नॉट इवन इन द टूर्नामेंट, आई डिडंट गेट इन बिकॉज ऑफ माई रैंकिंग. तो मैंने कहा चलो मेरा टूर खत्म हो रहा है, आई एम गोना गो टू पाकिस्तान, मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड की शादी है. सो आई वॉज डन फॉर द ईयर, आई लेड माई रैकेट्स डाउन फॉर दैट ईयर. आई वॉज प्रिपेयरिंग डांस प्रैक्टिस इस्लामाबाद में था अपने दोस्त के साथ, बाकी दोस्तों के साथ, एंड मेरे दोस्त नासिर शराजी की शादी थी, एंड प्रिपेयरिंग डांसेज, आई हैडन्ट टच रैकेट जो भी है. एंड मेहंदी हुई फ्राइडे, सैटरडे संडे को थी, तो फ्राइडे को हमारी उसकी मेहंदी हुई, एंड फ्राइडे नाइट को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ATP, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, के फाइव टीम्स हैव पुल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो यू आर द सिक्स्थ टीम एंड नाउ यू इन द मेन ड्रॉ, आर यू गोना बी कमिंग टू प्ले द टूर्नामेंट. एंड उससे मैंने कहा राइट नाउ आई एम इन इस्लामाबाद इन पाकिस्तान, आई एम गोना चेक द फ्लाइट्स वगैरह इफ आई कैन मेक इट, इज देयर एनी चांस आई कैन गेट अ वेंसडे स्टार्ट, बिकॉज आई एम ओनली गोना रीच ऑन मंडे और संडे और समथिंग. तो उन्होंने कहा सॉरी वी कांट पुट यू ऑन वेंसडे, यू आर शेड्यूल्ड टू प्ले ऑन संडे, ऑन सॉरी नॉट संडे, ट्यूजडे 7 PM अगेंस्ट रॉजर फेडरर एंड हिज पार्टनर. मैंने कहा व्हाट, एंड फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे नहीं था कि आई वुड एवर बी एबल टू प्ले रॉजर फेडरर एवर अगेन, आई डोंट नो, लाइफ का कुछ पता नहीं होता. दोस्त के पास गया, ही यूज्ड टू प्ले टेनिस. मैंने कहा यार यू वुड नॉट बिलीव, आई गॉट इन बाजन, आई गेस व्हाट, हु आई एम प्लेइंग. उसने कहा रॉजर फेडरर. मैंने कहा हाँ यार. तो मैंने कहा तू मुझे बता इफ यू वुड लाइक मी टू बी ऑन योर बरात और कैन आई गो एंड प्ले दिस टूर्नामेंट अगेंस्ट रॉजर. उसने कहा यार तू मेहंदी पे रहा है, तूने सारे डांसेस अपने कर लिए हैं, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, एंड आई नो हाउ बिग ऑफ अ डील दिस इज, गो डूड, गो एंड प्ले रॉजर. Wait, wait, wait. You attended the mehndi, you did the dance, and then you then played Federer. So then I reached Basel on Sunday. I reached Basel on Sunday, dude. I hadn't touched my racket for 2 weeks because I was in Islamabad preparing dances वगैरह. और Monday को नमाज पढ़ी, नफल अदा किए before the night before the match. और दुआ obviously शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये दुआ मैं शेयर कर रहा हूँ. और मैं नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक दुआ मांगी अल्लाह से, या अल्लाह किसी तरह मुझे ये मैच जीतने की तौफीक अता फरमा. मुझे नहीं पता मैं किस तरह जीतना है क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से टेनिस नहीं खेली हुई, लेकिन अगर कोई बंदा कोई चीज कर सकती है वो तू है, हेल्प करने वाला. मैं ये अगर मैच जीत गया मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, रॉजर फेडरर से मैच हार गया उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला. तो इफ यू कैन हेल्प मी प्लीज हेल्प मी. एंड डूड नेक्स्ट डे वन थिंग लेड टू अनदर. I don't know what happened in the match, how we kept winning the points, how we kept winning the games, and we ended up winning, dude. And till now, I cannot believe ke us tarah karke match jeete hu main usse. After the match, I shook his hand. Agar if you see the video also, it was like 5-10 seconds that I spoke to him on the court, shaking his hand. And I said, it was an honor to be on the same court as you. Uska itna bada pan hai, usne kaha, but bro, we did play 12 years ago in juniors as well. And juniors mein usko haraya hua hai, but at that time he was not Roger Federer, world number one, the greatest player of all times, you know. So maine kaha yeah, I do remember that, but I didn't expect you to remember it. Kehte no, I do remember because you are the only Pakistani playing on the tour, so it's very easy to remember you. So maine kaha okay, thank you very much for saying that. And obviously uska bada panta, he didn't have to tell me ki he remembers ki we played in juniors as well, lekin he's so humble and down to earth banda.
And the fact that he remembered and shared that experience also with me was unbelievable. So it's a great feeling, no doubt. I love this story. This is an amazing story. Crazy, man.